हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज बाइट्स। आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रग्स कोर्स का एक लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है कफ, और दूसरे वीडियो में हम लोग ब्रोंकल अस्थमा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कफ एक तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। सवाल है क्यों? देखो, अगर मान लो कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हम लोग के रेस्पिरेटरी रीजन में आग करके लॉच कर जाता है, या फिर रेस्पिरेटरी रीजन में सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिसके चलते ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग को इसको दूर करना है। तो इसको हम लोग फोर्सफुली दूर करते हैं कफ के चलते हैं। इसलिए कफ एक तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। कफ दो तरह का होता है, एक कफ होता है ड्राई कफ और दूसरा कफ होता है प्रोडक्टिव कफ। दोनों में डिफरेंस क्या है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग ड्राई कफ से स्टार्ट करेंगे। ड्राई कफ को हम लोग नॉन प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं, और ये एक बिल्कुल यूजलेस है। ठीक है, क्योंकि इसमें कफ बन नहीं रहा होता है। इसमें होता क्या है, ब्रेन में जो कफ सेंटर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके चलते बार बार हम लोग को ड्राई कफ होता है। तो हम लोग को इसको दूर करना है, इस परेशानी को दूर करना है। तो इस परेशानी को दूर करने का तरीका है, कफ सेंटर को डिप्रेस कर दें। तो उसको डिप्रेस करने के लिए जो ड्रग्स देते हैं उनका नाम होता है एंटीटसिव्स, जो कि कफ सेंटर को डिप्रेस कर देते हैं, जिससे ड्राई कफ नहीं होता। तो एंटीटसिव्स में कोई भी ड्रग दे सकते हैं, जिसमें से ड्रग्स हैं कोडीन, फॉलकोडीन, ये दोनों ओफॉइड्स में आते हैं, नॉस्कापिन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्पन, ये दोनों नॉन ओफॉइड्स हैं, और प्रोमेथाजिन जो कि एंटीहिस्टामिनिक है। ठीक है, अब हम लोग प्रोडक्टिव कफ को देखते हैं। प्रोडक्टिव कफ जो होता है वो यूज़फुल होता है, क्योंकि इसमें कफ का सिक्रीशंस हो रहा होता है, कफ बन रहे होते हैं और हम लोग को इसको निकालना है। लेकिन कभी कभी होता है कफ निकलता नहीं है, हो सकता है कफ बहुत थिक हो और हम लोग को उसको निकालना है। तो हम लोग निकालने के लिए उसको जो ड्रग्स देते हैं वो होता है एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स दो तरह के होते हैं, म्यूकोलाइटिक्स एंड ब्रोंकल सिक्रीशन एनहेंसर। म्यूकोलाइटिक्स जो होते हैं वो कफ का जो विस्कोसिटी होता है उसको डिक्रीज कर देते हैं, जिसके चलते कफ बहुत ईजिली रिमूव हो जाता है। और जो म्यूकोलाइटिक्स में जो ड्रग्स आते हैं उनका नाम है प्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल। फिर ब्रोंकल सिक्रीशन एनहेंसर में क्या होता है कि सिक्रीशंस म्यूकस का बहुत बढ़ जाता है, जिसके चलते जो थिक कफ होते हैं वो सिक्रीशंस के साथ मिक्स कर जाते हैं, जिसके चलते उनका विस्कोसिटी डिक्रीज करता है और ये ईजिली रिमूव हो जाता है। और इसमें जो ड्रग्स आते हैं उनका नाम है पोटेशियम आयोडाइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, पोटेशियम साइट्रेट, ग्वाइफेनेसिन। ठीक है, हम लोगों ने कफ को कवर किया, दूसरे वीडियो में हम लोग ब्रोंकल अस्थमा को कवर करेंगे। थैंक यू।